मुस्लिम लीग नून के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अभी एक अहम तरीन खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि भारत में इंसाफ का एक और कत्ल हुआ है। भारतीय अदालत ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी है। यासीन मलिक के खिलाफ दहशतगर्दी की फंडिंग के झूठे मुकदमे में भारतीय अदालत ने सजा सुनाई है। बिल्कुल अहम खबर आपको दे रहे हैं, भारत में इंसाफ का एक और कत्ल। भारतीय अदालत ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी। यासीन मलिक के खिलाफ दहशतगर्दी के फंडिंग के झूठे मुकदमे में भारतीय अदालत ने सजा सुनाई है। अहम और अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं कि भारत में इंसाफ का एक और कत्ल सामने आया है। भारतीय अदालत ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी है। यासीन मलिक के खिलाफ दहशतगर्दी की फंडिंग के झूठे मुकदमे में भारतीय अदालत ने सजा सुनाई है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक का भारतीय अदालत में बयान देते हुए कहना था कि गुज़िश्ता कई दिहाइयों से गांधी के उसूलों पर अमल पहरा रहा हूं और सजा से मुतालिक कोई भीख नहीं मांगूंगा।